सुप्रीम कोर्ट ने मसीही खातून आसिया बीबी की सजाए मौत का लादम करार देते हुए इन्हें बरी कर दिया। चीफ जस्टिस मियां साकम नसार का कहना है कि आसिया बीबी किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं की गई तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तोहीन रिसालतों कुरान के जुर्म में कैद आसिया बीबी के केस पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मियां साकम निसार ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया, जिसमें आसिया बीबी की सजाए मौत को कालादम करार देते हुए इन्हें बरी करने का हुक्म दिया गया। आसिया बीबी के सजाए मौत का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आसिया बीबी पर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, अगर वो किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। इससे कबल आसिया बीबी केस का फैसला 8 अक्टूबर को महफूज किया गया था। आखिरी समाहत के दौरान आसिया बीबी के वकील सैफुल मलूक ने अदालत को बताया कि वाकया 14 जून 2009 का है। ननकाना साहब के गांव कट्ठावाला के इमाम मस्जिद ने वाकया दर्ज करवाया, जबकि एफआईआर के मुताबिक आसिया ने तोहीन मजहब का इकरार किया। जस्टिस आसफ सईद खोसा के ने कहा है कि वकील की गुफ्तगू से मालूम होता है कि इमाम मस्जिद बराए रास्त गवाह नहीं, क्योंकि इनके सामने तोहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। चीफ जस्टिस साकम निसार ने कहा है कि इमाम मस्जिद के बयान के मुताबिक 5 मरला के मकान में पंचायत हुई। कहा गया कि पंचायत में 1000 लोग जमा थे। वकील ने बताया कि आसमा और असमा नामी गवाहान ने बयानात में तजाद है। उन्होंने कहा है कि वाकये की तफ्तीश नाकस और बदनीति पर की गई। याद रहे कि आसिया बीबी को 2010 में तुहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुनाई गई थी, जबकि इनके वकला का दावा है कि आसिया बीबी पर झूठा इल्ज़ाम आयद किया गया। आसिया बीबी पर तुहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्ज़ाम जून 2009 में लगाया गया, जब एक मुकाम पर मजदूरी के दौरान 7 काम करने वाली मुस्लिम खातून से इनका झगड़ा हो गया। आसिया से पानी लाने के लिए जब कहा गया, ताहम वहाँ मौजूद मुस्लिम खवातीन ने एतराज़ किया, क्योंकि आसमा गैर मुस्लिम है लहजा इसे पानी को नहीं छूना चाहिए। बाद अज़ा खवातीन मुकामी मौलवी के पास गई और इल्ज़ाम लगाया कि आसमा ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। आसिया बीबी सन 2010 से जेल में कैद है।